हम लोग नाम नहीं लेते क्योंकि छोटी जात के थे। कितने दुख की बात है, हमारे मन में ऐसी भावना थी और इतनी महानता काम की, हम लोगों को पूरे देश के लिए सोचना चाहिए, सभी के लिए सोचना चाहिए। अगर हमारा भाई नीचे है, वंचित शोषित है, उसके चेहरे में मुस्कान नहीं है। मित्रों, अभी मुझे कार्यक्रम योजना में जाते लगी तो मैं सबसे आ नहीं रहता। मैंने ऐसे ऐसे देखा, उनके चेहरे में मुस्कान नहीं है, उनका घर नहीं, वो अंधेरों में रह रहे हैं, उन्हें योजनाओं का कोई लाभ नहीं, आवास उनको मिला नहीं, अपात्रों को मिल गया। मुझे बहुत दुख लगा। मैंने अपना नंबर देकर आया है, यही बहरनपुर में, प्रिया कोडन में, कई दिनों तो मैंने एक एक घर गया। आप जाके पूछ लीजिएगा, मैं औपचारिकता नहीं किया, बैठ के सबको बुलाया नहीं, मैं घर घर में जा कर के किया। बहुत लोग जो अपात्र नहीं मिला, अंधेरे में रह रहे हैं, छोटी कहते हैं जातियों का नाम लेने से लोग चिढ़ते हैं। छोटी जातियों में अत्यंत गरीब हैं, शोषित वंचित हैं, किसी विगत सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया, मात्र कुछ जातियों को आगे करके, राजनीति करके, ताली बजा करके देश को सोचे आगे बढ़ाएंगे। आज उसकी देन ये सरकार बदली, मुझे कहने में कोई विरोध नहीं, वर्तमान सरकार आई, इन्हें भी बहुत कुछ करना शेष रह गया इस देश में। और अभी मैं भारत का जो है ये चाइना को लेकर के, मैं पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप को भी बधाई देता हूँ। जानते किस लिए? कोई बताए? तिब्बत पर उन्होंने पॉलिसी बना के गया, भारत को जो लड़ाई लड़नी चाहिए अमेरिका लड़कर गया, एक नियम लाया कि चीन दलाई लामा नहीं बना सकता, भारत के जो अंदर दलाई लामा वो बना सकता। वन चाइना पॉलिसी को हमें नहीं मानना चाहिए। चीन हमारा कभी पड़ोसी था ही नहीं, तिब्बत हमारा पड़ोसी था, लेकिन विगत सरकारों के कुछ गलतियों के कारण से, राजनीतिक गलतियों के कारण से ये दिन देखना पड़ा, चीन हमारा पड़ोसी बन गया। भारत चीन, भारत तिब्बत था। ताइवान को लेकर के हमारी पॉलिसी अब जाकर के अभी भी खुलकर नहीं आ रहे, लेकिन वर्तमान सरकार इस ओर ध्यान दे रही है, कड़ी टक्कर दे रहा है चीन को, LAC-COC तक। गलवान में जो घटना हुआ था, हमारे जो 15-20 शहीद हुए थे, लेकिन इनसे ज्यादा उनको हमने कड़ी टक्कर दिया था, 40-50 की संख्या उनको मारा था। गलवान के वीरों को भी आज नमन वंदन। ये देश सुरक्षित है, अखंड है, सशक्त है, तो LAC-COC पर जो हमारे वीर सैनिक जवाजी अपने घर परिवार को, नींद को त्याग करके डटे हैं, उनके कारण से आज हमारे चेहरों में मुस्कान है। हमारी अच्छी नींद के लिए वो अपनी नींद को त्याग कर रहे हैं, मैं उन्हें नमन वंदन करता हूँ। हम बहुत ऋणी हैं, उनका कर्ज पूरा देश नहीं चुका सकता। बाबू कालका में दो चीज़ें होना चाहिए, एक इसे अस्थायित्व होना चाहिए, ये उत्तरदायित्व होना चाहिए। हमारे में उत्तरदायित्व बहुत ज़्यादा है क्योंकि हम सीधे जन निर्वाचित सदन लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अमेरिका में राष्ट्रपति हो जाता तो एक नियत कार्यकाल के लिए उसे हटाया नहीं जा सकता, तो वहाँ अस्थायित्व है, लेकिन इसे अपनाया नहीं गया है। तो हमने जहाँ जहाँ जो अच्छे तत्व ग्रहण किया और जो उसे हटाना था हटाया, बहुत अच्छा किया, लेकिन बहुत सारी चीज़ें अभी भी पूर्ण रूप से संविधान नहीं लागू किया। अभी मैंने किसी त्यागी जी का बिहार के JDU के महासचिव हैं जो है, आरक्षण के मामले पे, आरक्षण को हमें बुरा नहीं करना चाहिए, जो वर्षों से शोषित हैं, सताए गए हैं, जिनको अधिकार नहीं मिला, अगर उनको हम आगे लाकर सशक्त और सक्षम नहीं बनाएंगे किसी न किसी माध्यम से, तो भारत मजबूत नहीं होगा और भारत सोने की चिड़िया नहीं बन पाएगा। जैसा हमने सजाया, भारत विकसित राज्य नहीं बन सकता। कुछ मुट्ठी भर लोग अगर मजबूत हो जाए, विकसित हो जाए और धन उन पर चले जाए और बाकी लोग ऐसे ही रोते बिरकते रहें, अपनी आवाज़ ना खोल पाए, तो हमारे लिए बड़ी शर्म की बात रहेगी। यह हम सबका पूरी जिम्मेदारी बनता है, ये नहीं कि हम सरकारी नौकरी तो आकर के बस कर लिए और उसके बाद कुछ नहीं। हम जहाँ भी रहें, जिस रूम में रहें, जितनी हमारी क्षमता रहे, इस बात को सोचना है, तो इसके लिए हमें हाथ भी आगे बढ़ाते रहना। हमें सामाजिक भी होना चाहिए। कुछ कहते हैं हम सरकारी आदमी सामाजिक नहीं, अगर आप आदमी नहीं हो तो सरकारी व्यक्ति अच्छा बन भी नहीं सकते, इसलिए प्रथम सामाजिक होना बहुत जरूरी है। आपका चरित्र, स्वभाव, मिलनसारिता, समाज के लिए आपकी इतनी अच्छी सोच है, अपने स्वार्थ को कहीं त्यागना भी पड़ता है, इस बात को हमें ध्यान देना पड़ता है। ताली तो बताइए, बहुत जरूरी है समझ। बढ़िया मित्रों, बहुत सारी बात है, मैं समझता हूँ कि लोग सोच रहे हैं कि मैं आऊँ, नहीं नहीं आप नहीं, सर्वप्रथम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की
बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। सुभाष चंद्र बोस अमर रहे। अमर रहे। महात्मा गांधी अमर रहे। सरदार पटेल अमर रहे। मैं सिंह साहब, बहुत सारी बातें हैं और समय लेना भी उचित मैं नहीं समझता हूँ। वैसे भी रास्ते में आते हुए ठंड लगी, बोलने बचा है अभी, मैं असली टॉपिक बोल ही नहीं पाया जो बोलने के लिए आया था। नहीं, बोलिए। नहीं, आप बोर हो जाओगे। नहीं, बोर नहीं बोली। मैं समझता हूँ, मुझे लगता है जो टूटे फूटे शब्दों में भाषाओं में मैंने बोल दिया वो चीजें वही बोलिए। आप बोलेंगे संविधान की बातें बहुत सारी थी, लोगों को समझ में आया होगा, जरूर बोल रहा हूँ। वो तो मैं बोला है। शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वास्तव में आपने इतनी अच्छी बातें बताई, हमारे संविधान में कहाँ से क्या लिया गया है, किस प्रकार से हर जगह का मिश्रण लेकर वो अपनी नीत को त्याग करें, मैं उन्हें नमन वंदन करता हूँ। हम बहुत रेडी हैं, उनका कर्ज पूरा देश नहीं चुका सकता। बाबू सुभाष चंद्र बोस का कर्ज नहीं चुकाया जा सकता। महात्मा गांधी जी का भी अतुलनीय योगदान है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का कर्ज हम उतार नहीं सकते। किसी जात के चश्मे से हमें नहीं देखना चाहिए। सरदार पटेल जी का अतुल्य योगदान है, वो किसी एक जात के नहीं है, वो सभी के हैं। हमें ऐसी भावना हमेशा रखनी चाहिए, ऐसी बुद्धिजीविता हमारे अंदर आनी चाहिए। हम ना जाने क्यों, मैं समझता हूँ कुछ राजनीतिक संकीर्णता के कारण कह लीजिए, कुछ कहीं कुछ के कारण से हम लोग अपने अलग अलग जात धर्म के चश्मे से देखते हैं। हमारे मुस्लिम भाई भी सभी महान पुरुषों उनमें जो है बहुत काम किया। समझिए फिर अब्दुल हमीद का नाम ले सकते हैं, और वो लोग हैं देश के लिए। ये तो अब आ गया है कुछ भावनाएं, सभी लोग एक साथ काम की। अजीमुल्ला जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में जो क्रांति का बीज बोया, उनका बहुत बड़ा योगदान है। नाना साहब तात्या टोपे, झलकारी बाई वीरांगना झांसी रानी और वीरांगना उदा देवी पासी, आज बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने वास्तव में बहुत काम किया। हमें उनको जात के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। जात और धर्म के नाम पर हमें महापुरुष नहीं बांटना चाहिए, वरना यह देश रुक जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। प्रत्येक भारतीय का, प्रत्येक नागरिक का एक कर्तव्य है, संविधान में भी है। संविधान में भी बहुत अच्छे अच्छे तत्व, बहुत सारे तत्व हमने इस व्यवहारिक और उत्तम बनाने के लिए कि देश की जनता का सर्वांगीण विकास हो सके, हमने विदेशी संविधानों से भी बहुत अच्छे अच्छे तत्व लिए। ब्रिटेन से संसदीय व्यवस्था लिया गया है, बहुमत का प्रणाली ले लिया है, विधि का शासन ले लिया, अमेरिका से संवैधानिक सर्वोच्चता लिया गया है, मौलिक अधिकार लिया गया है, और वहाँ की स्वतंत्र न्यायपालिका कैसी वहाँ लिया गया, कनाडा से संघीय व्यवस्था लिया गया, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिया गया है, और रूस से मौलिक मूल कर्तव्य लिया गया है, और जर्मनी से मौलिक अधिकारों का आपातकाल में निलंबन कैसे किया जाए जर्मनी से लिया गया है, और दक्षिण अफ्रीका से जो है ये संविधान संशोधन प्रक्रिया लिया गया है। हमने संसदीय प्रणाली को अपनाया है, डॉक्टर भीमराव अमेरिकी राष्ट्रपति प्रणाली और ब्रिटेन संसदीय प्रणाली के मध्य के बीच को चयन करते हुए उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि दोनों लोकतांत्रिक हैं, लेकिन एक में लोकतांत्रिक कार्यपालिका में दो चीज़ें होना चाहिए, एक इसे अस्थायित्व होना चाहिए, ये उत्तरदायित्व होना चाहिए। हमारे भी उत्तरदायित्व बहुत ज़्यादा है क्योंकि हम सीधे जन निर्वाचित सदन लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अमेरिका में राष्ट्रपति हो जाता तो एक नियत कार्यकाल के लिए उसे हटाया नहीं जा सकता, तो वहाँ अस्थायित्व है, लेकिन इसे अपनाया नहीं गया है। तो हमने जहाँ जो अच्छे तत्व